नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। फेसबुक हेडक्वार्टर में मां का जिक्र कर रो पड़े नरेंद्र मोदी। फेसबुक हेडक्वार्टर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल जवाब के दौरान रो पड़े। दरअसल फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मोदी के जीवन में उनकी मां की भूमिका को लेकर सवाल पूछा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के योगदान को याद करते हुए भावुक हो गए। मोदी ने रुंधे गले से बताया कि माँ लोगों के घर बर्तन मांजती थी, पानी भरती थी, मजदूरी करती थी। उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया, उसने अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया। ये सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, देश में ऐसे लाखों माताएं हैं, हर किसी के जीवन में माँ का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आज मैं जहाँ भी हूँ उनके योगदान के कारण ही हूँ। जुकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक के इतिहास में भारत बहुत महत्वपूर्ण। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि वह भारत को ज्ञान का मंदिर मानते हैं, जहां से उन्होंने फेसबुक को फिर से संगठित करने की प्रेरणा ली। जब 10 साल पहले कंपनी कठिन दौर से गुजर रही थी और बिकने की कगार पर पहुंच गई थी, तब मेरे गुरु और एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं भारत में एक मंदिर का दौरा करूं। इसलिए मैंने करीब एक महीने के लिए भारत का दौरा किया। मार्क ने कहा कि भारत की यात्रा के बाद उनके भीतर फेसबुक को अरबों की कंपनी के रूप में तब्दील करने का भरोसा फिर से पैदा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फेसबुक मुख्यालय में बातचीत की मेजबानी करते हुए मार्क ने कहा कि निजी तौर पर भारत को लेकर मैं कई वजहों से उत्साहित हूँ। केजरीवाल ने कहा कि विदेशों में गिड़गिड़ाना बंद करें पीएम मोदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना मेक इन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को मेक इन इंडिया पर फोकस करने की बजाय मेक इंडिया पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम को विदेशों में निवेश के लिए गिड़गिड़ाना बंद करना चाहिए, इसे निवेश नहीं आएगा। केजरीवाल के इस बयान की भाजपा ने निंदा की है। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली पर ध्यान देना चाहिए, दिल्ली का विकास होने पर देश का विकास अपने आप हो जाएगा। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को के लिए सीधी उड़ान 2 दिसंबर से शुरू। एयर इंडिया ने 2 दिसंबर से सैन फ्रांसिस्को के लिए एक सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इससे सैन फ्रांसिस्को में काम कर रहे भारतीय आईटी पेशावरों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो सकेगी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एयर इंडिया का चौथा गंतव्य होगा। कंपनी न्यूयॉर्क, नेवार्क और शिकागो के लिए दैनिक सीधी उड़ानें मुहैया कराती है।